सर इतना नॉलेज नहीं, लेकिन इतना पता है उसके अंदर हमारे पास वो लग रहा होता है कि मैं ट्रीज वगैरह बना रहे होते हैं उसके में, जब वो इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। लैंग्वेज डिजाइन के बारे में आपने बच्चे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एक सब्जेक्ट डिस्कस किया गया होगा, किया होगा लास्ट या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में। थ्योरी ऑफ वो ऑटोमेटा तो तो जैसे बनता है ना कोड, जो मतलब जैसा एक सिनेरियो बन रहा होता है वही यस चीजें हम वहीं पे अप्लाई की होती हैं कंपाइलर के अंदर, कि अगर यूजर इस तरह की कोई चीज लिखता है तो उसका ये मतलब होगा, ये चीज लिखेगा तो ये मतलब होगा उसका, अगर मतलब वो उसके पीछे भी बैकएंड पे भी मेरे ख्याल से कोडिंग ही होती है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हम पीछे कोडिंग कर रहे होते हैं तो कंपाइलर भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर ही होता है। बच्चे सर, मैं एक चीज ऐड करूं जी जी बच्चे सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारी जो पुरानी पुरानी लैंग्वेज हम जो यूज कर रहे हैं जी बच्चे उसी का कोई कोडिंग का स्टाइल डिफरेंट कर दे। मिसाल के तौर पे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ने, तो जी सी प्लस प्लस पर सिंपल कोड कर रहे थे। सेकंड सेमेस्टर में हमने उसी के थ्रू हमने ऊप की थी जी ऑब्जेक्ट बच्चे ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सेम लैंग्वेज में जो कोडिंग का स्टाइल है वो चेंज कर दें। कोडिंग स्टाइल तो बच्चे इस तरह नहीं चेंज होता, हम ये कह सकते हैं उसमें जो लॉजिक है वो सेम रहती है लेकिन उसका जो सिंटैक्स होता है वो चेंज हो जाता होता है। यानी हम का एक सबसेट बना रहे हैं। अब आप बच्चे इस तरह जिस तरह आपने कोई प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में और उसमें जो आपने लॉजिक लगाई वही वाली लॉजिक आप सी प्लस प्लस में भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें जो सिंटैक्स होगा वो चेंज होता है, वो चेंज होगा। वो देखा अलग अच्छी से वो उसमें रिलेट नहीं कर रही। या ये है कि आप जो भी कोई लैंग्वेज नई डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो लॉजिक होगी आप वही वाली लॉजिक समझ सकते हैं लेकिन उसकी जो कोडिंग स्टाइल होगा जो सिंटैक्स होगा वो आप थोड़ा चेंज कर दें तो एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट हो सकती है इस तरह, ऐसी है ना। जी सर, तो हम बेसिकली ये तो हमारा नहीं इतना मकसद भाई हम किसी दूसरी लैंग्वेज को जिस किसी दूसरी लैंग्वेज से नई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें। हाँ ये है कि हम उसमें जब भी कोई नई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम उस पिछली लैंग्वेज को देखते हैं कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या आ रहे हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एफिशिएंसी किस तरीके से हम मजीद इन्हेंस कर सकते हैं, ये चीज़ें हम देख कर तब भी कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एक हम इसमें पॉइंट देख सकते हैं कि पिछली लैंग्वेज जो बनी हुई थी उसमें क्या क्या मसाइल थे, अब उनको रिजॉल्व करने के लिए हम नई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक अलग सीन है, एक अलग सिनेरियो कि हम लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि लैंग्वेज हम कंस्ट्रक्ट करते कैसे हैं, मेरा सवाल ये था बच्चे। सर पहले तो मतलब ये है ना कि हमें लैंग्वेज के लिए उसमें हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल तो ये होता लाजमी बात, वो होती होती है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं उसमें हम वर्ड्स कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो तो फिर पूरी टीम डिसाइड करती है कि हमें इस इन वर्ड्स बच्चे के साथ मैं सिलेक्ट आपको करते हैं। आज मैं आपको लैंग्वेज तो कंस्ट्रक्ट करना नहीं सिखाऊंगा लेकिन ये है कि आप लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन के एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो मैं इसको थोड़ा तफसील में बता दूं इसके बुनियादी पहलू। जिस तरह आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, इस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़े हैं, पीडीए पढ़े हैं, ट्यूरिंग मशीन पढ़ी हैं ना, ये सारी चीज़ें सर थ्योरी ऑफ वो तो ऑटो सिर्फ वर्ड्स चेक करने के लिए हैं कि नहीं। हम तो ऐसे डिजाइन बात करेंगे जो इनिशियली हम सोचते हैं कि हम ये वर्ड्स वगैरह अपने लैंग्वेज में अच्छा हम सुने मेरी बात इस्तेमाल सब तो सुने। अब आप ना वहाँ पर आपने जो मॉडल वगैरह बनाए थे तो मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर आप मॉडल बना रहे थे, जिस तरह आपने एक मॉडल बनाया कंस्ट्रक्ट ए लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द वर्ड स्टार्ट विद ए एंड एड एंड एंड एट बी, एक इस तरह के आपने लैंग्वेज या मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है कि जो इस तरह के जी वर्ड सर। एक्सेप्ट करे जो ए स्टार्ट हों और बी पर एंड हों। फिर इस तरह आपने और मॉडल बहुत सारी इस तरह की प्रैक्टिस की थी, कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। अब ये मुख्तलिफ छोटी छोटी आप चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और जो आपका जो टारगेट होगा लैंग्वेज में उसमें ये तमाम चीज़ें आप कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, भाई ये जो लैंग्वेज आपकी होगी ये ए वाले लफ्ज़ को एक्सेप्ट करेगी बी पर एंड होगी, या ये बी स्टार्ट करेंगी ए पर एंड होंगी, या ये पैलिंड्रोम्स को एक्सेप्ट करेगी, ये इवन नंबर को एक्सेप्ट करेगी, ऑड नंबर को एक्सेप्ट करेगी, ये जी डिविजिबल सर, बाई थ्री वालों को एक्सेप्ट करेगी, ये सारी चीज़ें जो आप क्योंकि आप लैंग्वेज जो होती है वो इन सारी चीज़ों का मजमूआ होता है भाई, ये इसमें जी ये सर, काम हम लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो आप उनके मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ऐसे ही है ना, जी रेगुलर सर, एक्सप्रेशन में आपने ये चीज़ें सीखी थी कि पैटर्न को मैच करना, भाई आप आईडी कार्ड का जो नंबर होता है सी एन आई सी नंबर, इस तरह एक रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करें जो किसी भी आईडी कार्ड का जो पैटर्न होता है उसको मैच करेगा, ऐसे ही है ना। तो ये जी सर, फिर आपने इस तरह एक रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट की थी कि जो सेल फोन नंबर होता है
उसके पैटर्न को मैच करेगा। तो जब हम उस पैटर्न के मुताबिक हम कोई भी नंबर देंगे और उससे मैच हो रहा होगा तो वो कहेगा ये एक्सेप्टेबल नंबर है, और अगर नहीं देंगे तो वो कहेगा ये एक्सेप्टेबल नंबर नहीं है। इस तरह जो हम जी मेल आई डी होती है उसका भी हम वो स्थिति से पैटर्न मैच कर रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग स्नैरियो है। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप एक मॉडल उनके बना रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आप फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जब आप मॉडल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं उसके बाद अगला कंसेप्ट अगली चीज़ होती है कि आप उनकी कोडिंग करें। तो लैंग्वेज भी हम बेसिकली इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते होते हैं कि पहले हम उसके मॉडल या एक्सप्रेशन वगैरह कंस्ट्रक्ट करें, फिर उसके बाद हम उसकी कोडिंग करें कि जब ए आए तो फिर किस स्टेट पर मूव कर जाए, अब जब बी आए तो किस स्टेट पर मूव कर जाए। जब हमारे पास मॉडल बन जाता है तो मॉडल से हम उसकी कोडिंग ईजिली कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का भी पर्पज़ यही था कि आप मॉडल वगैरह समझें, आप छोटी छोटी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद आप उनको इकट्ठे कर दें तो एक बड़ी लैंग्वेज हम बना सकते हैं। ऐसे ही है ना, सपोज करें मैं बात करता हूँ कि एक इस तरह की लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें वो जो ए से वर्ड स्टार्ट हो और उनको वो सेलेक्ट करें और एक्सेप्ट करें, और इस तरह आप लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें जो बी पर एंड हो, इस तरह की आप लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें जो इवन ए पर मुश्तमिल हो, इस तरह की लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें जो इवन बी पर मुश्तमिल हो, इस तरह की लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज ए से पहले आ रहे हों, इस तरह की कोई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करें जो पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट करें। तो जब ये इतनी सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे एक मर्ज करेंगे, क्योंकि हमने इनके मॉडल तो बनाए होते हैं, जब हम इनको मर्ज करेंगे तो ये एक हम इस तरह लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं, मॉडल से हम उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक मेथड था लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करने का। अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कंपाइलर की स्टडी में जब भी कोई सी लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब भी जो लैंग्वेज रिसर्चर होता है या लैंग्वेज राइटर होता है, वो जब भी कोई नई लैंग्वेज रिसर्च करता है या नई लैंग्वेज राइट करता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम वो पहले कंपाइलर को भी राइट करें। अब चूंकि उसने एक लैंग्वेज राइट की है सी में या सी प्लस प्लस में या जावा में, लेकिन उसका वो कंपाइलर राइट नहीं करेगा तो उस लैंग्वेज का फ़ायदा नहीं होता। तो इसकी एक वजह यह भी है कि हम कंपाइलर को क्यों स्टडी करते हैं, जो लैंग्वेज रिसर्चर होते हैं वो जब कोई नई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे पहले वो उस कंपाइलर को भी राइट करते हैं, भाई ये इसका ये जो लैंग्वेज मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसका ये कंपाइलर होगा, इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये तीन हमने पॉइंट पढ़े हैं कंपाइलर को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। एक तो ये था कि एक्सपीरियंस गेन होता है डाटा स्ट्रक्चर वगैरह एल्गोरिथम वगैरह, और उस एक्सपीरियंस को हम किसी दूसरे नेक्स्ट बिग प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि ये एक शाइनिंग अचीवमेंट है सी एस थ्योरी की, तो उससे जब भी हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके सोलूशन को फाइंड करने में हमें ये हेल्प करता है। ठीक हो गया बच्चे, तीसरा पॉइंट ये हमने पढ़ा है कि जो लैंग्वेज रिसर्चर होते हैं वो जब भी कोई लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके लिए क्या काम करते हैं, कंपाइलर को भी वो डिज़ाइन करते होते हैं, कंपाइलर को भी वो राइट करते हैं, तो ये भी एक मजबूरी है हमारी कंपाइलर, इस वजह से वो स्टडी करना पड़ता है। और जो चौथा पॉइंट है इसमें, मैनी एप्लीकेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू वन आर मोर फीचर्स ऑफ कंपाइलर। अब आप जो कंपाइलर की जो जब कंपाइलर को कोई क्रिएट करते हैं हम, या तो उसकी जो फर्स्ट वाली फेजेस होती है, मुमकिन है इस तरह की कोई एप्लीकेशन कोई दूसरी हो उसके में भी जो फर्स्ट फेजेस होती हैं इनिशियल फेजेस होती हैं वो दूसरी एप्लीकेशन में भी सेम हो। तो जब कंपाइलर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो शुरू वाली जो फेजेस होती हैं वो हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे एप्लीकेशन में जब हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को राइट कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हैं, तो मुमकिन है उस दूसरे प्रोजेक्ट की जो शुरू वाली फेजेस होती हैं शुरू में जो कोडिंग होती है वो बिल्कुल इस तरह ही हो जिस तरह वो कंपाइलर में, मुमकिन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन फर्स्ट जो फेजेस होती हैं या जो टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा कि ये फर्स्ट फेज ये थी इसमें हमने इस तरीके से लॉजिक लगाई थी, ये कोडिंग की थी, उस तरह की जो सेम एप्लीकेशन होगी वो कोई दूसरी होगी और उसमें जो हम इनिशियल फेज होती है उनको हम वहाँ पर राइट करने में हमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये इस तरीके से हमारी एक हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स थे इस वजह से हम कंपाइलर को राइट करते हैं। अब इसको आप एडवांटेज ऑफ कंपाइलर भी कह सकते हैं कि कंपाइलर के एडवांटेज हमें क्या क्या है। ऐसे ही है ना, कोई एक्सपीरियंस गेन हो रहा है तो एक एडवांटेज है, जब ये सिमिलर प्रॉपर्टीज किसी दूसरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रही हैं तो हम वहाँ से वो जो कोड है वो वहाँ पर उस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेजेस है। मुख्तलिफ सॉल्यूशन को फाइंड करने में कंपाइलर हमारी हेल्प करता है तो ये भी एक एडवांटेजेस है। तो ये वजूहात भी आप कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि हम कंपाइलर को स्टडी कर रहे हैं।
एडवांटेज के लिहाज से कुछ पूछा जाए सवाल आपसे, तो आप इसको उस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमें इसकी एडवांटेजेस है। तो ये कंपाइलर को स्टडी करने के जो टॉपिक था ये यहाँ पे ख़त्म हो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो कि हम कंपाइलर क्यों स्टडी करते हैं, या में से कोई बच्चा इसका रिव्यू देना चाहे। जी सर ठीक है मेरा सर। क्वेश्चन ये है कि हम इसमें जो हमारा ये कोर्स है इसमें हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे या जो पहले से कंस्ट्रक्ट हुए हुए कंपाइलर उनको स्टडी करेंगे? इसमें हमने कंपाइलर की फिर को डिस्कस करना है कि एक जब हमारा सोर्स कोड दिया गया होगा ना, हाई एक हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, और उस प्रोग्राम को जब हमने असेंबली लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करवाना है या उसको कोड डी कोड करवाना है, तो उसमें जो कंपाइलर होता है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, पहली फेज़ में क्या होता है, कोर्स सोर्स कोड को रीड किस तरह करता है, फिर नेक्स्ट फेज़ में उसके सिंटैक्स वगैरह को चेक करता है, इस तरह उसके अगले फेज़ में उसके ट्री वगैरह कंस्ट्रक्ट करता है, और फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, इंटरमीडिएट कोड के बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद टारगेट कोड जनरेट होता है, और टारगेट कोड जो जनरेट होता है वो असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है, और फिर हम असेंबलर के इस्तेमाल करके उस असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कंपाइलर को नहीं कंस्ट्रक्ट करना, कंपाइलर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं पहले से ही, तो अब हम इस कोर्स में हमने उसकी बस वर्किंग को डिस्कस करना है कि कंपाइलर किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से वो उसकी फेज है, और हर फेज में क्या क्या काम होता है। सपोज करें एक कोड, एक सोर्स कोड हमारा ये है कि जो 10 नंबर्स हैं उनका सम कर दे, ये हमने एक कोड लिखा है किसी भी विजुअल स्टूडियो के ऊपर, एंड्रॉयड कह लें या और भी जो प्लेटफॉर्म है किसी भी लैंग्वेज में हमने कोड लिखा है, तो वो तो हमने हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है ना, जब हम उसको एग्जीक्यूट करवाते होते हैं तो हमें वो उसकी आउटपुट मिल जाती है। अब इस जो ये आउटपुट मिल रही है इसके पीछे वर्किंग किस तरीके से हो रही है, ये सारी हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे, और ये वर्क कौन कर रहा है, ये कंपाइलर कर रहा है, कंपाइलर ही उसके हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसकी आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने बेसिकली इसकी वर्किंग को डिस्कस करना है, हमने इस कोर्स में कोई नया कंपाइलर कंस्ट्रक्ट नहीं करना, कंपाइलर जो है वो पहले से कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। सर वो तो जो हमने जैसे सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था या सी प्लस प्लस में पढ़ा था उसके जो कंपाइलर वगैरह होते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूशन करते हैं, वो तो हमने फेजेस तो उसके पहले से ही हमने डिस्कस किए हुए हैं कि उसके 7 स्टेप होते हैं, पहले क्रिएट करना, फिर सेव करना, फिर कंपाइल करना, फिर लिंक कर लोडर, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन। सर वो तो 6 स्टेप्स हैं, उनको तो सर हमने मतलब डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें और इनके अलावा भी कोई फेजेस वगैरह होते हैं? नहीं बच्चे, जो आप कह रहे हैं ना सेव करना क्रिएट करना, ये कंपाइलर की फेज नहीं है, कंपाइलर की फेज है फ्रंट एंड और बैक एंड, दो मेन कंपोनेंट्स होती हैं, और फ्रंट एंड में फिर सिमेंटिक सिंटैक्स एनालाइजर होता है, सिमेंटिक एनालाइजर होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, और कोड ऑप्टिम फिर उसके बाद टारगेट कोड ऑप्टिमाइजर होता है, टारगेट कोड जनरेटर होता है, फेज कंपाइलर के ये फेज हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना क्रिएट करना, वो आप प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे कि जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं अपने सोर्स कोड में, वो जो आपका सोर्स कोड होता है उसको आप प्रोग्राम भी कहते हैं, उस प्रोग्राम को जब आप लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को आप सेव करते हैं, फिर उसको आप डिस्प्ले भी करवाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ काम वहाँ पे करते हैं, तो वो जी शुरू सर में जो वो मतलब डिफरेंट स्टेप्स हैं कि एक प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब वो एग्जीक्यूट किस तरह से होता है, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं वो वाले। जी ले जाए। हाँ जी जी बच्चे आप बताएं। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ वो जो है ना मैंने जो बताया सर वो 6 स्टेप्स हैं, 6 या 7, जो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान डिफरेंट स्टेप्स में कंपाइलर जो है किस तरह से मतलब वो कंपाइल करता है, वो उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। बच्चे वो आप जो बात कर रहे हैं वो आप उसकी बात कर रहे हैं कि एक जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो उसको किस तरीके से वर्क करवाना पड़ता है, या उसको आप स्टोर करवा रहे होते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो स्टेप्स हैं, लेकिन ये जो कंपाइलर हैं ये कंपाइलर की फेज हैं, कंपाइलर के स्टेप्स हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में पे, हर फेज में क्या काम होता है, मतलब ये फ्रंट एंड होता है एक बैक एंड, तो फ्रंट एंड में कौन कौन सी फेज हैं और हर फेज में किस तरीके से वर्क होता है, ये हमने डेप्थ में इनको डिस्कस करना है, और लास्ट पर फिर हम मुख्तलिफ कोड वगैरह दिए गए होंगे, जिस तरह हमने एक सोर्स कोड को लिया है और वो हम कोड लिखते हैं, उनको फिर हमने कंस्ट्रक्ट इधर कंपाइलर में करना है, उसकी सोर्स कोड को हमने मशीन लैंग्वेज में लेकर आना है, इस पर हमने प्रैक्टिस करनी है लास्ट पर, कि एक सोर्स कोड दिया गया है यस सर,  ││ ││ ││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 
और उस सोर्स कोड को, जो भी सोर्स कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको आपने फिर मशीन लैंग्वेज में लेकर आना है, तो किस तरीके से लेकर आना है, या असेंबली लैंग्वेज में वो कोड इस तरह से। पेपर में आपके ये क्वेश्चन आएंगे कि एक सोर्स कोड आपको मैं दूंगा और कह दूंगा, जिस तरह एक फार लूप है कोड में, फार लूप का इस्तेमाल किया गया, या वाइल लूप का, जिस तरह और भी जो भी इफ एल्स स्टेटमेंट है, पूरा एक प्रोग्राम है, और मैं कहूँगा इसको आप मशीन लैंग्वेज कोड में लेकर आएँ या असेंबली में, तो ये मुख्तलिफ फेज होंगे और उन फेज के थ्रू आप उस कोड को लेकर आएंगे। ये बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है, इसको इसको डिस्कस करना है, सोर्स कोड को मशीन कोड में किस बिल्कुल, आप आगे सिखाएंगे भी ना। जी, बच्चे इस पर मैं काम करवाऊंगा इंशाल्लाह, कि सोर्स कोड को मशीन या असेंबली लैंग्वेज कोड में किस तरह लेकर आना होता है, यही तो हमारा अगर मेन टारगेट है। हम हर फेज में बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इस फेज में हमने इतना काम करना है। सपोज करें जो फ्रंट एंड के फेज हैं, सबसे पहले हमने उसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट फेज में हमने एक सोर्स कोड दिया गया होगा, उसको हमने फर्स्ट फेज में कहाँ तक काम करना है, फिर सेकेंड फेज में क्या काम करना है, ये इस पर हम तफसील से डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फिर हम इस सर काबिल हो इसके लिए जाए। भी कोई सॉफ्टवेयर यूज होगा या कॉपी वर्क होगा नहीं सारा? नहीं ये हैंड रिटन होगा, प्रैक्टिस होगी, इसमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, हैंड रिटन होगा। जी और इसके साथ फिर ये, थैंक यू सर। इसके साथ फिर हम ना ये रेगुलर एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है, और फिर ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करना है, इनको भी हमने डिस्कस करना है कि एक, क्योंकि इसका ये प्री रिक्विजिट है और इसका यहाँ पर इस्तेमाल है, कि ये फाइनल मिड के बाद यहाँ इसके ऊपर हमने काफ़ी वर्किंग करनी है, रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा में ये कुछ कंसेप्ट हैं, इनको भी डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है ना बच्चे? जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। तो आप में से अगर किसी बच्चे के माइंड में ये है कि हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है नया, तो वो ये अपने माइंड से निकाल दें कि हमने कोई नया कंपाइलर कंस्ट्रक्ट नहीं करना, बल्कि एक कंपाइलर कंस्ट्रक्ट वो है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमने उसको डिटेल में डिस्कस करना है। सर वो असल में ना कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नाम इस तरह का था तो कि ऐसे लग रहा था जैसे हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है, नहीं इस नहीं वजह से यस सर। नहीं कंपाइलर नया कंस्ट्रक्ट नहीं करना, बल्कि एक कंपाइलर पहले से कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसकी वर्किंग किस तरह हो रही है वो चीज़ देखनी है, और एक कोड दिया गया होगा और उस कोड को आप मशीन कोड तक किस तरह लेकर आते हैं, कंपाइलर किस तरह लेकर आता है, उसकी वर्किंग को आपने समझना है। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी तो ये बच्चे को बता दें कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। जी बच्चे सर, यही सब हमारे पास के एक नाम है इसे, मतलब शॉर्ट ही बोलूंगा कि आगे मैं ये बच्चे मैं कह रहा हूं, मैं शॉर्ट ही बोलूंगा क्योंकि आप मेरा के आगे जुम्मे के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो हम यही बताया हमने इसके लिए कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते होते हैं कि हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन किस तरह हो रहा है, हमारे पास जो है इसलिए भी इसको कंपाइलर इसको हम स्टडी करते हैं कि हम जो है अगर कोई न्यू लैंग्वेज बनवर के रेगुलर मतलब कि हम एक नया फॉर्मेट तैयार करते हैं उसके ऊपर हमें एक कंपाइलर वगैरह भी बनाने आना चाहिए, तो इसलिए भी हम पढ़ते हैं, और उसके अलावा इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमें उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन वगैरह हो रही थी कोड कन्वर्ट कर दो कैसे कर रहा था, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बस शॉर्ट शॉर्ट ही बताया, ये शॉर्ट शॉर्ट पे सब चीज़ें बताई गई हैं कि ये वजूहत है, इसकी वजह से हमने कंपाइलर को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये तो था हमारा यहाँ तक हिस्ट्री और कंपाइलर की स्टडी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है कज़न और कंपाइलर। अब एक जो कंपाइलर है उसके कुछ कज़न होते हैं, कज़न से मुराद ये है कि जो कंपाइलर से कुछ पहले वर्किंग होती है और कंपाइलर से कुछ बाद में वर्किंग होती है, क्योंकि सारा काम कंपाइलर नहीं करना, जब हम एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं तो उससे पहले भी कुछ वर्किंग होती है जिसका नाम होता है प्री प्रोसेसिंग। पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद असेंबली सोर्स कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब उस असेंबली लैंग्वेज कोड को किस तरीके से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे, और जो वो असेंबली लैंग्वेज कोड में असेंबली लैंग्वेज कोड को जब हम मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब उसको मेमोरी में लेकर किस तरह जाना होता है, वो लोडर लिंक डिजाइन का काम होता है उसके लिए, वो लोडर वगैरह आ जाते हैं जी, और लिंक मेमोरी से फिर आगे सीपीयू उसको एक्सेस करता है और उसके ऊपर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ काम करके फिर जो आउटपुट होती है वो हमें डिस्प्ले करवाता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। तो ये अब सारा जो काम हो रहा होता है ये सिर्फ कंपाइलर ही नहीं करता, बल्कि इसके साथ कुछ कज़न्स होते हैं,
जिस तरह आप अगर पंजाबी उर्दू में कज़न का माने लें तो जो उसके रिश्तेदार होते हैं इस तरह। तो अब आपने कोई काम वगैरह करना है तो आप कहेंगे कि मैं ये अकेला काम नहीं कर सकता, बल्कि मैंने अपने फलां कज़न को साथ मिलाकर ये काम करना है। वो करें, ये जो कज़न मेरा होगा इसने इतना काम करना है, उसके बाद मैंने इतना काम करना है, और जो ये वाला कज़न मेरा होगा इसने इतना काम करना है। आप किसी काम को डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, भाई इतना काम उस कज़न ने करना है, इतना काम मैंने करना है। आप जो होंगे आप मेन होंगे, आप कंपेलर कहेंगे, कंपेलर। उससे पहले कुछ जो काम करने वाले होंगे वो आपका कोई कज़न होगा, वो आपको वो काम करके दे देगा इस तरह। उसके बाद आपका काम होना है, आपका मेन काम होना है, आपने उसको करना है। फिर आपके काम करने के बाद कुछ काम बाकी रहता होगा, वो थोड़ा आसान होगा, या इस तरह इस सेंस में आप कह लें, वो आप कहेंगे कि मेरा जो ये वाला खजाना है इसको ये काम मैं असाइन कर दूंगा, और ये काम इसने ये करना है। तो जिस तरह आप रियल लाइफ में मुख्तलिफ काम को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके मुख्तलिफ लोगों को असाइन कर देती हैं कि इतना काम इसने करना, इतना मैंने करना, इतना फलाह ने करना है। तो इस तरह कंपाइलर में भी यही काम होता है कि सारा काम कंपाइलर नहीं करना होता है। जब एक सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज तक ले आने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है और हमें आउटपुट डिस्प्ले होती है, तो इसमें इसके बैकअप पर सिर्फ कंपाइलर ही काम नहीं कर रहा होता, बल्कि इसके कुछ कज़न होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो और कज़न होते कौन कौन से हैं? वो कंपाइलर के तीन तरह के कज़न हैं, एक प्रीप्रोसेसर, दूसरा असम्बलर, तीसरा लोडर आर एंड लिंक एडिटर। तो प्रीप्रोसेसर कोई बताए बच्चे कि प्रीप्रोसेसर क्या होता है? सर सर ये प्री प्रोसेसर मैं बताता हूँ। चलो ठीक है यार, आप बताओ, पहले भी मैं नहीं बोला, बताओ बताओ। शुक्रिया आपने दिया। अच्छा तो प्री प्रोसेसर जो होते हैं, इनको माइक्रो प्रोसेसर वगैरह भी कह सकते हैं। ये हमारे पास करते ही है कि ये इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को किसी आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि नेक्स्ट एक इनपुट होती है कंपाइलर की। तो मतलब ये समझ लें कि हमारे पास कंपाइलेशन से पहले जो हम अपनी जो इनपुट डालते हैं वो इस प्री प्रोसेसर से होकर गुजरती है, फिर ये कोई आउटपुट देता है जो कि इनपुट बनती है हमारे दूसरे प्रोग्राम जो कंपाइलर की। तो वहां से हमारे पास आगे वो मशीन कोड की तरफ मतलब जा रहा होता है। मतलब कि अगर हम मैं एग्जाम्पल बात करूँ सी लैंग्वेज की, उसके अंदर जो होता है हमारे पास सी का जो प्री प्रोसेसर है, मतलब उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सी जो है ना उसको कॉल करता है कि आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है प्रोग्राम को, और फिर जो होगा ना उसको उसको जो है ना उसके इनपुट जिसके अंदर डाली हुई उसको कन्वर्ट करेगा किसी मतलब के नए फॉर्म के अंदर, मतलब कि प्री कंपाइल्ड फॉर्म, मतलब कि उस टाइम के कंपाइलर से प्री कंपाइल्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, तो उसको कन्वर्ट करके फिर आगे वो उसको दे देगा आगे आगे मजीद काम करने के लिए। तो इसके अंदर वो आपने देखा होगा कि मैक्रो का लफ्ज़ क्यों लगा रहे हैं हम, तो वो मैक्रो प्रोसेसिंग या फिर इस तरह का लफ्ज़ क्यों कहें, वो इसलिए ताकि इसके अंदर हमारे पास ना ये होती है इजाज़त कि आप मतलब कि मैक्रोज वगैरह डिफाइन कर सकें, तो लॉन्गर कंस्ट्रक्ट वगैरह के लिए। तो ये बच्चे मैं आपने भी ठीक पॉइंट डिफाइन किया, लेकिन मैं आप इसको थोड़ा और आसान अल्फाज में डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल प्रोसेसिंग के पहले कुछ प्रोसेसिंग होना। प्री प्रोसेसर इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो इनपुट लेता है उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट जनरेट कर देता है, और वो वाली जो आउटपुट होगी वो किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट बन जाती है। इसका यही मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम प्री प्रोसेसर, एक ऐसा प्रोग्राम जो कोई इनपुट लेता है उस इनपुट को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट जनरेट करता है, और ये जो आउटपुट होती है ये किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट बन जाती है। तो ये हमारा प्रीप्रोसेसर है। अब मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं अपने सोर्स कोड में, सॉरी जब वो एंड्रॉयड के ऊपर या C++ के ऊपर या C के ऊपर कोई भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप एक्चुअल कोड को या प्रोग्रामर जो हैं वो इस चीज़ को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। आप एक्चुअल कोड को मतलब मेन वगैरह और जो क्लासेज वगैरह आप डिफाइन करते हैं, फंक्शन वगैरह डिफाइन करते हैं, आपका एक्चुअल कोड होगा। उससे पहले अगर आप शुरू में जाएं टॉप पर, तो टॉप पर आप हैश इंक्लूड के नाम से कुछ फाइलें इंक्लूड कर रहे होते हैं, इनका नाम होता है डायरेक्टिव्स, हैश इंक्लूड, और उसके बाद आपने वो एंगल ब्रैकेट लगाते हैं std.io करते होते हैं, करते होते हैं ना बच्चे ये काम आप? std.h के नाम से इस तरह। फिर आप मैथ के ऑपरेशन वगैरह को आपने परफॉर्म करना हो तो मैथ की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे होते हैं std include math.h library। तो ये और भी हम मुख्तलिफ तरह से कुछ वर्किंग कर रहे होते हैं, हैश इफ कर रहे होते हैं इंक्लूड, और हैश हम डिफाइन कर लेते हैं, else कर रहे होते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, हैश डिफाइन करनी है,
हैश फार कर रहे होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ आप हेड डायरेक्टिव को इंक्लूड कर होते हैं। ये हैश के नाम से जो चीज़ें आएंगी इनको हम डायरेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते होते हैं? डायरेक्टिव। इनको प्री प्रोसेसर नहीं कहेंगे बल्कि इनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्टिव। अब जो ये डायरेक्टिव होते हैं इनको जब भी आपने कोड की एग्जीक्यूशन करनी होती है, एक्चुअल कोड, जब भी आप एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने कोड एंटर का बटन प्रेस किया है तो जो कंपाइलर जो होगा वो अपनी कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर वर्क करेगा। जो प्री प्रोसेसर होगा, ये कंपाइलर का कज़न है, ये उस उन डायरेक्टिव को रिजॉल्व करेगा। भाई ये हैश इंक्लूड है, इसका ये मतलब होगा, उसको उसको समझेगा और रिजॉल्व करेगा। इस तरह मैथ वाली कोई लाइब्रेरी फाइल आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको ये रिजॉल्व करेगा। तो एक्चुअल कोड की कंपाइलेशन से पहले जो डायरेक्टिव होते हैं उनकी कंपाइलेशन करना क्या कहलाता है? परी प्रोसेसर कहलाता है। एक्चुअल कोड को कंपाइल करने से पहले जो डायरेक्टिव को कंपाइल करता है, जो डायरेक्टिव की एग्जीक्यूशन करता है, वो कौन करता है? परी प्रोसेसर। समझ आइए बच्चे? अब सपोज करें आपने एक कोड लिखा है और आपने उस कोड में हैश इंक्लूड stdio.h की फाइल इंक्लूड नहीं की, तो नीचे आकर आप इनपुट और आउटपुट को डिस्प्ले नहीं करवा सकते और ना ही आप वहाँ पर राइट कर सकते। जैसे आपने राइट करना है तो वहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये इसके लिए इनपुट आउटपुट के लिए वो ऑन ना होना है, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। तो stdio का पर्पज़ क्या था? आप किस मकसद के लिए वो इस डायरेक्ट को इंक्लूड कर रहे थे बच्चे? सर वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, उसमें ना जी ये ऐसे समझने, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो सर वो जैसे एक लाइब्रेरी होती है ना, उसमें हर चीज पहले से सेव होती है। जैसे हम जनरल लाइफ में अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लाइब्रेरी में सारी ज्यादा सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है ना हम लाइब्रेरी में जाते हैं और हमारे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसी बुक को उठा के, जी उस प्रॉब्लम के एग्जैक्टली रिलेटेड जो भी बुक होती है उसको उठा के उसमें से हम अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही करता है कंपाइलर भी, अगर मेन फंक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इनपुट आउटपुट के रिलेटेड, तो ये जाएगा उसकी लाइब्रेरी में stdio.h में, और वहां से वो फंक्शन प्री डिफाइंड है, तो वहां से उसकी वर्किंग जो है वो रीड करेगा, मतलब लोड करेगा, लिंक को के लोड लोड करेगा, उसके बाद फिर उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो लाइब्रेरी ही नहीं है तो सर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम जी जिस बिल्कुल इदारे में लाइब्रेरी लाइब्रेरी कैसे वो मतलब वो स्टडी कर सकते हैं सर, इसका उसी तरह का ही काम है। एग्जैक्टली राइट। इस तरह ही होता है कि हम वो जो इंक्लूड कर रहे होते हैं डायरेक्टिव को, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी कोडिंग, हर चीज़ पहले से वो हम पर डिफाइन होती है, वो हमने राइट करके लिख उधर रख दी होती है। जब नीचे अगर हम प्रिंट एफ करते हैं तो उसकी वो लाइब्रेरी फाइल हमने ऊपर इंक्लूड की होती है, तो जो ऐसा कंपाइलर होता है जो उसकी लाइब्रेरी फाइल में जाएगा, अपने रेलिवेंट उसको इंफॉर्मेशन को उठाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो डायरेक्टिव का पर्पज़ यही होता है कि हम हमारे जो भी हम लाइब्रेरी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या जो फंक्शनैलिटी आगे इस्तेमाल होनी है वो शुरू से ही हमने ऊपर से डिफाइन कर दिया डायरेक्टिव में। तो पहले पर प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद कंपाइलेशन होगी, तो कंपाइलेशन में जो प्रोसेसर होगा, सॉरी कंपाइलर होगा, उसकी कंपाइलेशन करेगा और जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो लाइब्रेरी फाइल को उठाकर अपना काम कर सकता है। तो सिंपल लफ्ज में परी प्रोसेसर क्या होता है कि उन डायरेक्टिव को रिजॉल्व करता है जो लाइब्रेरी फाइल हमने ऊपर इंक्लूड की हुई हैं। मुख्तलिफ तरह के डायरेक्टिव होते हैं, वो एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले, मतलब कंपाइलर की कंपाइलेशन से पहले उन उस इन उसको लेता है इनपुट को, वो जो डायरेक्टिव होंगे जो हमारी हेडर फाइल इंक्लूड होंगे उनको लेता है, इनपुट को तौर पर लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है। और वो वाली जो आउटपुट होगी वो आप कंपाइलर के लिए क्या बन जाएगी? इनपुट बन जाएगी। जो ये परी प्रोसेसर हैं ये हमारे पास चार तरह के होते हैं, इनके जो टाइप्स हैं वो चार तरह के हैं, और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप परी प्रोसेसर को अगेन डिस्कस करेंगे। नाम मैं अभी बता देता हूँ, एक माइक्रो प्रोसेसिंग होती है, एक फाइल इंक्लूजन होती है, एक रैशनल परी प्रोसेसिंग होती है, और लास्ट पर लैंग्वेज एक्सटेंशन होती है। तो टाइम भी हमारे पास एंड हो चुका है, बाकी जो ये परी प्रोसेसर को हम अगर दोबारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसकी जो ओके टाइप्स सर, हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर असेंबलर को, लोडर और लिंक एडिटर को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई क्यूरी वगैरह है या किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो आपने बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। भी सर से अगर आप पूछें तो वो मुमकिन है सवाल ही ना बनता हो और सारे से डांट ना देगा। जी बच्चे ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कह रहे आप देखें। सर जी बच्चे क्लियर है अच्छा, सर, ऑल इट्स ओके। जी बच्चे और
सर इसमें है। आप लेक्चर के स्टार्ट में ये जब आप हिस्ट्री बता रहे थे तो उसमें आपने फोटोन जो है वो आपने बताया कि वो जब एक साइंसदान ने 1958 में या 56 में जो है वो लेके आया था, तो उसमें जो 10 से 20 टाइम तेज जो है वो एग्जीक्यूशन होती थी सर, स्लो उस पॉइंट एग्जीक्यूशन की मुझे होती समझ थी नहीं आई। वो। मैं तेज की बात नहीं, मैं कह रहा था मैं स्लो की बात कर रहा था। 10 to 10 10 मतलब आप स्लो कह रहे हैं वर्क ना कि जो जो 2 से मतलब 2 3 दिन में एग्जीक्यूशन होती थी वही 2 घंटे में हो रही थी एग्जीक्यूशन नहीं सर, उस बच्चे। बात की मुझे समझ नहीं आई। हाँ वो मैं बता देता हूँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोजेक्ट, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? एक ऐसा यस सर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा यस सर सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक असेंबली लैंग्वेज में पहले राइट करते थे 1953 में, ठीक है ना? 1953 में असेंबली लैंग्वेज में किसी भी सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को राइट किया जाता था। उसकी जो यस सर प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ठीक थी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है, या बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है वो तो एक मतलब जिसमें जो भी ले रहा है। तो 1953 में जो जॉन बैकस था ना, इसने एक अपना एक आइडिया पेश किया था स्पीड कोडिंग के नाम से, एक कंसेप्ट लेकर आया, एक नया आइडिया लेकर आया। और जो ये स्पीड कोडिंग का आइडिया लेकर आया, इसने फिर एक इंटरप्रेटर डेवलप किया 1953 में। अब जो ये इंटरप्रेटर था ना, इसमें जो कोड वगैरह लिखा गया था या इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो स्लो था। कितने कितना स्लो था? एक ऐसा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो उसकी निस्बत जो ये था हमारा फोर्ड, सॉरी इंटरप्रेटर, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी ये 10 to 20 times स्लो थी। अब 10 to 20 times मतलब ये कह सकते हैं कि 10 से 20 गुना इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो थी किससे, जो पहले से एक कंसेप्ट चल रहा है डिफेंस कैलकुलेटर वाला, या आप जो भी प्रोग्राम है जो असेंबली या मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं उनकी निस्बत ये इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो थी। जी यहाँ तक इतनी बात हुई है, इसमें भी कोई और नई बात नहीं हुई। इसकी समझ आई है इस पॉइंट की? यस सर ये जो स्पीड कोडिंग या इंटरप्रेटर था, इंटरप्रेटर जो इसने डिवेल्प किया है, ये जो एग्जीक्यूशन टाइम लेता था ये 10 से 20 गुना मतलब इसकी जो स्पीड थी वो कम थी किसकी निस्बत, तो एक ऐसे प्रोग्राम या एक ऐसे प्रोजेक्ट जो असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हों उनकी निस्बत। तो अगर वही वाला को प्रोग्राम या जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर वो हम इंटरप्रेटर में डिवेल्प करें या क्रिएट करें तो ये प्रोसेस स्पीड जिसकी स्लो थी। समझ आई? जी यस तो सर ये बच्चे एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब चूंकि इसकी स्पीड 10 to 20 times स्लो थी तो फिर इसने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दिया। इसने कहा मैं इसको इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में परफॉर्म करूंगा। फिर 1954 में इन्होंने जो रिसर्च पेपर रिलीज किया था वो फोर्ट्रान का था, फोर्ट्रान के नाम से था ये मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह वगैरह। तो इसकी जो अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज में पहले लिखे जाते थे 1953 में, अब वही वाले प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाएँ तो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हुए उनको 2 हफ्ते लग जाते थे। एक सपोज करें प्रोग्राम से मुराद ये है कि एक प्रोग्राम 2 नंबर को लेना है और ऐड करना है, अगर ये प्रोग्राम आप असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में लिखते तो आपको 2 हफ्ते लग जाते थे उस वक्त तो। बिल्कुल सर लेकिन लेकिन अगर वही वाला प्रोग्राम ये 2 नंबर वाला जो मैंने बताया इसको जब आप फोरट्रान में लिखेंगे तो आप 2 घंटे में लिख सकेंगे। मतलब वो एक एवरेज बता रहा है, इसकी रेशियो बता रहा है कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट आप असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे या मशीन में तो वो 2 हफ्ते लगाता है राइट करने में, लेकिन वही वाला प्रोजेक्ट आप एक फोरट्रान में लिखें तो सिर्फ आप 2 घंटे में लिख सकते हैं। ये उसका बेसिक एडवांटेज बता रहा है और रेशियो के साथ बता रहा है कि इसकी रेशियो क्या है। ठीक है सर, मेन पॉइंट यही था, इसी चीज की समझ नहीं आई सर। ये फोरट्रान जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, इसमें फोरट्रान में ये हाई लेवल लैंग्वेज में है बच्चे। तो तो फिर सर मतलब वो हम उसमें तो जिस लैंग्वेज में मर्जी लिख लें, हाई लेवल लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस है उसमें तो हम जिसमें भी लिखें हमें जल्दी ही लिखा जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। और जहर सी बात है, मशीन लैंग्वेज लेकिन में हम जो है वो ऐसे ही है बच्चे। लेकिन ये उस वक्त ये कोई चीज़ मशहूर नहीं थी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, फोरट्रान किया, ये उस वक्त कोई कंसेप्ट नहीं था। और जो ये जॉन बैकस था ये उस वक्त ये हाई लेवल लैंग्वेज का ये फोरट्रान का कंसेप्ट लेकर आया था। उससे पहले 1953 में
जो कंसेप्ट चल रहा था वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज का था, मशीन और असेंबली में यही समझा जाता था कि यही दो लैंग्वेज है, इसमें हम कोई कोड राइट कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं जी था जी उस वक्त। तो ये जब कंसेप्ट उसने 1956 में ये पेपर रिलीज किया था, सॉरी 1954 में पेपर रिलीज किया था फोर्ट्रान के नाम से, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जाकर 1956 में हुई थी। तो अब इसकी जो थी ना कोडिंग या वर्किंग टाइम, वो 2 घंटे में लगाता था, जबकि हुई वाला प्रोजेक्ट अगर आप मशीन लैंग्वेज में लिखते तो हमें वो 2 हफ्ते लग जाते थे। तो ये कंसेप्ट इसने पेश किया था एक हाई लेवल लैंग्वेज का, उससे पहले कोई कंसेप्ट नहीं था। बेसिक पॉइंट ये है कि हमें वो जो उसका राइटिंग टाइम है वो बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है, इसमें बहुत कम लगा रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चे, ठीक है सर, तो तो जी सर, थैंक यू। आज का